हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम कराएंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बॉन्डेड सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसका देंगे हम बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो इस क्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। अब देखिए किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो एक नेचुरल नंबर है और जो कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। तब इस फंक्शन को, इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हम सेक्वेंस ऑफ रियल नंबर कहेंगे, अगर हम इसकी जो इमेज है उनको नेचुरल नंबर के ऑर्डर में अरेंज करें। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है एफ एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। अब इस एन के स्थान पे हमें क्या रखना, क्योंकि डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, तो यहाँ 1/1 यानी कि 1 आएगा। इसी तरह से दूसरा नेचुरल नंबर 2, तो 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा 1/2, और इसी तरह से 3 रखेंगे तो आएगा 1/3, ठीक है। तो अब हम इसकी जो इमेज है, इमेजेस क्या होती हैं, F1, F2, F3, ये इमेजेस कहलाती हैं। अब इनको नेचुरल ऑर्डर में रखेंगे, नेचुरल ऑर्डर का मतलब कंटिन्यू रखनी है आपको, पहली फिर दूसरी, ठीक है। इनको नेचुरल ऑर्डर का मतलब ये होता है, ठीक है, इस तरह से अरेंज करें। तो ये जो सेक्वेंस बनेगा, यानी ये जो क्रम बनेगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेक्वेंस बोलते हैं, 1/2, 1/3, इस तरह से। तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो सेक्वेंस कहलाएगा किसका, रियल नंबर का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक इन शॉर्टली एफ एन ऑल्सो डिनोटेड बाई ए एन यूज द सिंबल दिस आर द सेक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि हम जो इमेजेज होगी वो एफ एन की जगह ई एन से भी डिनोट कर सकते हैं। एफ एन का मतलब F1, F2, F3, F4, ये इमेजेज हैं। इन इमेजेज को हम शॉर्ट में A1, A2, A3, A4 अप टू An, An+1 से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये वाला जो सिंबल है वो डिनोट करेगा सेक्वेंस को। अगर इसके बीच में हम कुछ लिखा है तो हम मानेंगे कि इसका हमें सेक्वेंस निकालना है, यानी कि यहाँ पर इसके बीच में उस सेक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, यानी n वां पद दिया हुआ है। जैसे इसके बीच में हम ऐसे लिख दें, ये लिखा हुआ एफ एन या ए एन लिख दें, तो एन के स्थान पे हम क्या रखें, नेचुरल नंबर रखते चले जाएं, और जो ये ऑर्डर आएगा, यानी कि जो नेचुरल ऑर्डर में अगर हम इसको रखें और जो क्रम आएगा, ये अनुक्रम आएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, सेक्वेंस कहेंगे। चलिए अब हम समझते हैं रेंज ऑफ अ सेक्वेंस, यानी कि किसी भी सेक्वेंस की जो रेंज है, परास है, वो क्या होती है, यानी जो इमेजेस होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था कि हमारे पास कोई फंक्शन है एन टू आर, तो यहाँ एन जो होती है डोमेन होती है, आर होती है कोडोमेन, और एन के एलिमेंट की जो इमेजेज आएंगी, यानी कि F1, F2, ये जो कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। लेकिन ये एक फंक्शन की रेंज होती है, और सेक्वेंस की रेंज क्या होगी, यहाँ पे देखिए लिखा था रेंज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सेक्वेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ सेट, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन की रेंज नहीं निकालनी, हमें सेक्वेंस की रेंज निकालनी है, तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट होगा उसे ही हम उस सेक्वेंस की रेंज कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो ए एन है इस टाइप, आप देखिए कुछ बुक में इस सिंबल की जगह ये भी यूज कर लेते हैं, तो यानी कि कर्ली ब्रैकेट भी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बात एक ही है, आप कुछ भी इसे डिनोट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1/n+1, ठीक है। अब हम इनके एन के स्थान पर 1, 2, 3 रखेंगे तो ये आएगा 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेक्वेंस है, और इसका जो रेंज होगा, क्योंकि सभी डिस्टिक्ट एलिमेंट है, कोई इसमें कॉमन तो आ नहीं रहा, तो जो रेंज होगा वो भी यही होगा, यानी कि रेंज यहाँ पे जो सेक्वेंस है वो इनफाइनाइट टर्म की है, तो रेंज भी इसकी इनफाइनाइट टर्म की हो जाएगी, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक यहाँ पर और लिया हुआ है एग्जाम्पल, -1 की पावर n, तो -1 की पावर n, अगर यहाँ n के स्थान पे हम 1, 2, 3 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो +1 आएगा, 3 रखेंगे तो फिर -1, 4 आएगा तो फिर +1। अब है तो ये इनफाइनाइट सेक्वेंस, लेकिन इसकी अगर रेंज सेट निकालेंगे तो रेंज सेट क्या होगी, -1 और 1, क्या लिखा है इसमें, डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सेक्वेंस आर कॉल्ड रेंज, रेंज और रेंज सेट। तो सेट की रेंज
जो है ये सीक्वेंस की जो है वो रेंज सेट कहलाता है, जो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट का सेट, ये कहलाएगा रेंज सेट। और ये कैसा है, फाइनाइट है। इसी प्रकार फाइव है, फाइव देखिए सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका जो रेंज है वो केवल फाइव यानी फाइनाइट हो जाएगी। अब यहाँ ये भी लिखा था कि रेंज में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, यानी रेंज जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी होगी, लेकिन नल नहीं हो सकती। चलिए अब हम समझते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस मतलब बंद अनुक्रम। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ए सीक्वेंस ए एन सेट टू बी बाउंडेड अबव, यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस टाइप का बाउंडेड अबव कहेंगे इफ द रेंज सेट ई एन इज बाउंडेड अबव, यानी उसका रेंज सेट जो है अबव यानी ऊपर की साइड से आई की साइड से बाउंडेड हो, यानी कि क्लोज हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया माइनस का एन स्क्वायर, अगर हम इस एन के स्थान पे 1 2 3 रखेंगे तो क्या आएगा, एन के स्थान पे जब 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 3 9 आएगा, और 4 रखेंगे तो -16 आएगा, और इसी तरह से माइनस इन्फिनिटिव की ओर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ ज़रा ध्यान देंगे कि यहाँ क्या लिखा, द सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव, ये -1 यानी अधिकतम जो है वो -1 है, और बाकी इधर देखिए माइनस की ओर जा रहा है यानी छोटा है, यानी कि -1 पे जाके क्या हो जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं देखिए -1 -4 और -9 और -16 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, बाउंड हो गया, यानी इससे ऊपर नहीं जा सकता, नीचे तो जा रहा तो ऊपर की साइड से, यानी मैक्सिमम जो नेचुरल नंबर का जो बढ़ता क्रम है, यानी रियल नंबर का जो बढ़ता क्रम है, वहाँ से बाउंड हो गया ये। ठीक है, तो बाउंड होने का मतलब अबव से अबव बाउंडेड हो गया, और इसका अगर हम रेंज सेट निकालेंगे तो रेंज सेट क्या होगा, वही ऊपर यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यानी -1 से आगे नहीं जाएगा, यानी 0 1 2 3 ये नहीं आएगा, यहाँ पर बाउंड हो गया, तो क्या कहेंगे इसको, बाउंडेड अबव। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर ये सेट टू बी बाउंडेड बिलो, जैसे ये अबव बाउंडेड हुआ इसी तरह से नीचे से भी बाउंड हो सकता है, इफ द रेंज सेट ये बाउंडेड बिलो। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 2 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 3 की पावर 1 रखेंगे 9 3 3 9 3 27, अब यहाँ पर देखिए प्लस के इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, तो यानी कि सबसे मिनिमम जो हो गया वो 3 हो गया, और अधिकतम क्या है यहाँ पर, प्लस के इन्फिनिटी, यानी कि मिनिमम 3 पे आके ये बॉन्ड हो गया, यानी 3 से नीचे नहीं जा रहा है, तो नीचे की ओर बॉन्ड हुआ, ये मैक्सिमम बंद -1 से ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे तो है लेकिन -1 से ऊपर ना था, ये -3 से नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो -3 यानी नीचे की ओर ये बॉन्ड हो गया, तो इसे कहते हैं बाउंडेड बिलो। ठीक है, अब क्या ये सीक्वेंस सेट टू बी बाउंडेड, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कहलाता है इफ द रेंज सेट ई एन बोथ बाउंडेड, अगर कोई सीक्वेंस ऊपर से भी बाउंड हो और नीचे से भी बाउंड हो, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों से बाउंड हो, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखिए एग्जांपल ये है, अगर मैं एन के स्थान पर 1 रखूँ तो 1 आएगा, 2 रखूँ तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, और यहाँ पर 1/4, और इसी तरह से, चूँकि देखिए जब हम 2 आया 3 आया 4 आया, इसी तरह कहीं पे जाकर बहुत बड़ा नंबर आएगा, मान लीजिए इस टाइप का कुछ आएगा, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी लगभग 0 हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट 0, यानी कि ये जो हो गया 1 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, कहाँ से 1 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। ये यहाँ इन्फिनिटी से मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा नेचुरल नंबर रख दें और उसको हम 1 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट 0, यानी ये नहीं कह रहे कि 0 ही आएगा, 0 के अप्रोक्सीमेट, कहने का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है 1 से नीचे 0 से 0 आया ना, तो 0 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से ऊपर नहीं जाएगा, तो कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, जब 0 और 1 के बीच में ये बॉन्ड हो गया, 0 और 1 के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड हो गया, जब 0 और 1 के बीच में बॉन्ड हो गया तो ये जो सीक्वेंस हो गया वो बॉन्डेड सीक्वेंस हो गया। चलिए अब समझते हैं सुपरमम एंड इन्फिमम। सुपरमम का मतलब बड़ा और इन्फिमम का मतलब छोटा। ठीक है, सुपरमम क्या होता है पहले समझेंगे, एन अपर बॉन्ड एल ऑफ सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस का अपर बॉन्ड यानी कि लास्ट से जो बंद हो रहा है वो एल है, इज कॉल्ड लिस्ट अपर बॉन्ड, यानी लास्ट में जहां बंद हो रहा होगा उसी एल को हम क्या होंगे, क्या कहेंगे, लिस्ट अपर बॉन्ड या सुपरमम ऑफ ए एन, यानी सीक्वेंस का जो है हम सुपरमम कहेंगे, इफ एल लेस देन इक्वल टू वी फॉर एवरी अपर बॉन्ड ऑफ ए। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास सीक्वेंस इस तरह का आया 2 3 4 5 6 और लास्ट में जाके क्या आ गया, 10 आ गया, ये मालूम हो गया। ठीक है, तो लास्ट में जाके हुआ तो ये कह रहा है एन अपर बॉन्ड, तो अपर बॉन्ड क्या है यहाँ पर 10, यानी 10 में जाके बॉन्ड हो गया, तो एल यानी जो 10 होगा 10 को ही हम क्या कहेंगे, सुपरमम कहेंगे, जो लास्ट में बॉन्ड हो रहा होगा। इसी तरह से स्टार्टिंग वाला जो होगा
स्टार्टिंग वाला दो इसके बराबर या इससे अधिक, दो या उससे अधिक, दो के बराबर या उससे अधिक को हम क्या कहेंगे, इन्फिमम कहेंगे। दस इसके बराबर या उससे छोटे को, दस के बराबर या उससे छोटे को सुपरमम, दो के बराबर या दो से बड़े को इन्फिमम कहेंगे। देखिए डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन अपर बॉन्ड एल ऑफ सेक्वेंस ए एन कॉल्ड द लिस्ट अपर बॉन्ड, लिस्ट शॉर्टकट में एल यू भी कहेंगे, या सुपरमम ऑफ ए इफ़ एल लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि लास्ट का जो बॉन्ड एलिमेंट है वो बी है और उसके बराबर भी हो सकता है सुपरमम या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ ऐसे यहाँ पर देखिए, ए लोअर बॉन्ड एम ऑफ द सिक्वेंस ए इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और इन्फिमम इफ ए एन, ए एन इफ एम ग्रेटर देन ए, यानी सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा, हमारी छोटा एलिमेंट ए है, तो जो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एम, यानी कि जो इन्फिमम होगा सबसे छोटा वाला या उसके बराबर या उससे अधिक, थोड़ा उससे अधिक, उससे कम नहीं होगा। चलिए अब हम समझते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। जैसे कि हमने मोनोटोनिक फंक्शन वहाँ पढ़ा था, ऐसी मोनोटोनिक सीक्वेंस है। क्या है मोनोटोनिक? एक तो दो तरह के हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो पहले देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है। ए सीक्वेंस ये सेट टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इफ ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन, और इसमें अगर इक्वल का सिंबल हट जाए तो इसे हम कहते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग। अब देखिए मीनिंग क्या है इसका। अगर मान लीजिए हमारे पास जो सीक्वेंस है उसके जो एलिमेंट हैं वो इस तरह के हैं, जैसे दो तीन तीन चार पाँच छः छः सात, इस तरह। अब देखिए इसमें बढ़ते हुए क्रम में तो हैं, यहाँ पे क्या देखिए कहीं कहीं पे इक्वल भी आ रहे हैं, तो ये जो कहलाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा। और केवल बढ़ते क्रम में हो, यानी कहीं भी इक्वल ना हो, तीन चार पाँच, यानी बीच में कोई भी इक्वल ना हो, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ साथ हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से बिल्कुल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। जैसे मान लीजिए इससे जो अगला एलिमेंट है वो इस तरह का घटते क्रम में है, जैसे मान लीजिए ये तो बढ़ते क्रम हो गए इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का मतलब मान लीजिए 10 है, फिर 9 आ गया, फिर 9 आ गया 8 7, फिर 7 आ गया 6 आ गया, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहलाएगा। और केवल घटते हुए क्रम में, यानी कि इसमें कहीं भी इक्वल नहीं है, तो वो कहलाएगा स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही लिखा, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ एनी ऑफ द एबव कंडीशन इज सेटिस्फाई। अभी जो हमने ऊपर बताई दो कंडीशन, अगर उनमें से कोई सी भी कंडीशन होती है तो उसे हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। और अगर दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो, यानी कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो, दोनों कंडीशन एक साथ हो, कहने का मतलब अगला वाला जो टर्म है उससे पहले वाले टर्म के इक्वल हो, तो उसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो जो स्टिकली इंक्रीजिंग होता है वो ऐसा होता है, स्टिकली डिक्रीजिंग इस टाइप का होता है, और कॉन्स्टेंट कैसा होता है इस टाइप का, और इंक्रीजिंग कैसा होता है ऐसे देखिए, ये गया ये इंक्रीज, और डिक्रीजिंग कैसा होगा वो नीचे की ओर आएगा ऐसे। इसमें देखिए ये स्टिकली इंक्रीजिंग, ये स्टिकली डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, और ये कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसा कि हमने फंक्शन में पढ़ा था बिल्कुल वही यहाँ सीक्वेंस भी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। तो अब हम इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, अगर आपको इसका आंसर आता तो मेरे से पहले आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करना है। एस एन क्या है यहाँ पे, एन एन प्लस वन अपॉन टू, यानी कि अगर मैं एन के स्थान पे वन रखूँ तो यहाँ पे आएगा वन, टू टू से टू कट जाएगा वन, एन के स्थान पे टू रखेंगे तो टू से टू कट जाएगा, यहाँ आएगा थ्री, और वन थ्री किसमें है, देखिए वन थ्री इसमें आ रहा है सी में, ठीक है, और कहीं तो है नहीं वन थ्री, तो सी वाला किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से, तो सी वाला फर्स्ट में देख लीजिए, सी वाला फर्स्ट से, तो फर्स्ट इस वाला, तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया, क्योंकि और नहीं किसी और में होता है यहाँ फर्स्ट तो हम, तो राइट आंसर इसका हो गया सी। फिर भी आप और भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एन प्लस वन, एन इज ओड, ओड रखेंगे तो आएगा टू, जब इवन रखेंगे तो यहाँ पर वन, ओड रखेंगे तो फिर आएगा यहाँ पे थ्री, तो सेकंड वाला हो गया, सेकंड वाला आ गया आपका, सेकंड वाला आ गया टू वन बी से, तो सेकंड वाला देखिए बी से आ गया। ठीक है, इसी तरह से वन ओड है तो ये माइनस वन, वन माइनस वन, तो थर्ड वाला आ गया आपका ए, थर्ड वाला ए आ गया, बिल्कुल सही हो गया।
यहाँ पर रखेंगे तो वन रखेंगे तो वन अपॉन टू, टू रखेंगे तो टू अपॉन थ्री, थ्री रखेंगे तो थ्री अपॉन फोर, यानी फोर्थ वाला आपका आ गया डी, तो फोर्थ वाला डी, तो राइट आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर टू देखिए स्क्रीन पे है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड को मैच करना है। क्या है लिस्ट फर्स्ट, ये क्या नॉट बॉन्डेड, बॉन्डेड अबव, बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड, तो नॉट बॉन्डेड का मतलब लेफ्ट यानी लिस्ट और अपर में जो है डिफाइन नहीं होनी चाहिए कि लिस्ट नंबर क्या है और अपर नंबर क्या है। बॉन्डेड अबव का मतलब लास्ट का नंबर जो है वो क्लियर होना चाहिए कि लास्ट का नंबर ये है। बॉन्डेड बिलो का मतलब नीचे का नंबर जो हमें क्लियर होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। बॉन्डेड का मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर हमें पता होना चाहिए क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले ए वाले को चेक करते हैं। तो ए वाले में वही है कि एन के स्थान पे हमें क्या रखना, वन रखना। जब वन रखेंगे तो ये आएगा माइनस का, जब टू रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर टू यानी कि वन अपॉन टू, और जब थ्री रखेंगे तो माइनस वन की पावर थ्री यानी कि माइनस का वन अपॉन थ्री, तो यहाँ पर आएगा। फिर जब फोर रखेंगे तो वन अपॉन फोर माइनस का वन अपॉन फोर। तो कहने का मतलब ये देखिए, माइनस में भी ये जो है माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी कि माइनस, अच्छा माइनस इन्फिनाइट नहीं, कम तक जाएगा। देखिए माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन फोर, यानी कि अधिकतम जो है वो माइनस वन है। ठीक है, यानी कि अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो यहाँ माइनस वन बैठ रहा है, उसके बाद माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री, यानी सब इधर है। उसके बाद यहाँ पे एक बटे दो, यानी कि यहाँ कहीं पर एक बटे दो बैठ रहा है, और बाकी सब जो है इस साइड में एक बटे चार, एक बटे चार, यानी कि माइनस वन से एक बटे दो के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। तो एक बटे चार के बीच में बॉन्ड, तो इसका मतलब फोर्थ हो गया, फोर्थ यानी कि फर्स्ट में ए में फोर्थ, तो ए में फोर्थ, अब दो जगह आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा डर, तो ये तो हो गया बॉन्ड, बॉन्डेड। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला सेकंड बी वाला, बी वाला वन रखेंगे तो टू, और ये दो चार, तीन रखेंगे तो आठ, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो लोअर बॉन्ड है, अपर जा कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लोअर बॉन्ड यानी बॉन्ड, बॉन्ड बिलो, बॉन्ड बिलो कौन सा है, बॉन्ड बिलो है ये वाला थर्ड वाला। देखिए थर्ड वाला मिलेगा आपको बी से, तो थर्ड वाला बी में, थर्ड वाला बी में, अब देखिए थर्ड वाला बी में ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो अभी भी डाउट है, बिलो। बॉन्डेड बिलो, ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट वाला सी। अब यहाँ पे ये करना, वन रखना, माइनस वन रखेंगे तो वन रखेंगे तो आएगा माइनस का वन, टू रखेंगे तो आएगा टू, फिर थ्री रखेंगे तो थ्री रखेंगे तो आएगा माइनस का थ्री, फिर फोर, फिर माइनस का फाइव, फिर सिक्स, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है, देखिए माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा, इधर माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, और इधर कहाँ तक जाएगा, वन टू थ्री, टू फोर सिक्स, यानी प्लस की इन्फिनिटी। तो इसमें डिफाइन नहीं है सबसे लोएस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसका मतलब ये जो हो गया नॉट बॉन्डेड हो गया, नॉट बॉन्डेड यानी कि फर्स्ट। तो थर्ड एंड सी में फर्स्ट, तो सी में फर्स्ट, तो सी में फर्स्ट, ये भी, ये भी, अभी तो सभी निकालने पड़ेंगे इसका मतलब, तो नॉट बॉन्डेड, नॉट बॉन्डेड ये हो गया, नॉट, नॉट बॉन्डेड। तो देख लीजिए किस में आया, पहले बॉन्डेड, बॉन्डेड पहले, पहले वाले में बॉन्डेड यानी कि ए में, ए में जो आ रहा है थर्ड, ए में बॉन्डेड, ए में आ रहा है कांगे बॉन्डेड, ए में फोर, पहले फोर्थ आना चाहिए, फिर आना चाहिए यानी कि पहले नंबर पर फोर्थ, ठीक है। उसके बाद है बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड बिलो यानी थर्ड, फिर आया हमारा नॉट बॉन्डेड, नॉट बॉन्डेड फर्स्ट, तो इसमें कौन सा क्रम बन गया, फोर्थ थर्ड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ये बन गया ये वाला डी वाला, फोर्थ थर्ड फर्स्ट। इसका मतलब लास्ट वाला भी चेक कर ले रहे हैं वैसे, तो लास्ट वाला क्या है, यहाँ पर रखेंगे, देखिए पन रखेंगे
डी, वन रखेंगे तो आएगा यहाँ पे -1 0, ठीक है, 1 0, और जब 2 रखोगे तो आएगा -3, 2 रखोगे 2 में से -3, यानी माइनस तो आनी आना। अब 3 रखेंगे तो आएगा 2 3 3 9, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक है लेकिन 0 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, तो बाउंडेड एबव हो गया, बाउंडेड एबव ये वाला सेकेंड वाला, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर हो गया, बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव राइट आंसर हो गया इसका डी। दिस क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे, द इन्फिमम ऑफ दिस, यानी कि इन्फिमम का मतलब होता है लोअर बाउंडेड, यानी कि जो सबसे नीचे बाउंडेड बिलो होगा उसका जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वही इन्फिमम कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए एन के स्थान पर 1 रखेंगे तो आएगा 2, और जब 2 रखेंगे 2 × 2 = 3, 3 का वर्ग करेंगे 9/4, और जब 3 रखेंगे तो 3 × 1 = 4, 4 × 16 = यहाँ पर आएगा 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पर देखिए बाउंडेड विलो हो गया, यानी कि 2 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, आगे तो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो बाउंडेड विलो कितने 2 पे होगा, तो बाउंडेड विलो में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वही कहलाएगा इसका इन्फिमम, तो इन्फिमम हो गया इसका 2, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सीक्वेंस ये बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग, बाउंडेड तो है लेकिन देखिए यहाँ पे 1 3/2 का मतलब होता है 3/2 से भाग देंगे तो 1 point something होगा, ठीक है, और फिर 7 को भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए आगे जाके 2 हो गया, ठीक है, 3/2 हालांकि 1 1.5 something और 1 point something करते हुए, यानी कि यहाँ पे बाउंडेड तो है 1 से 2 के बीच में लेकिन डिक्रीजिंग नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा नॉट बाउंडेड, बाउंडेड तो है ही है, तो दूसरा तीसरा नहीं है, नॉट बाउंडेड ये भी नहीं है, बाउंडेड एंड नॉन डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजिंग नहीं है इंक्रीजिंग हो रहा, तो राइट आंसर होगा इसका डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द सीक्वेंस ये इज मोनोटोनिक बट नॉट बाउंडेड, नॉट मोनोटोनिक बट बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, नॉट मोनोटोनिक नॉट बाउंडेड। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि 1 आया, फिर माइनस के 1/2 आया, 1/3 और माइनस के 1/4, तो मोनोटोनिक तो तब होता है जब वो फंक्शन या तो कंटिन्यू बढ़ रही हो वैल्यू या घट रही हो। यहाँ पर देखिए 1 के बाद -1 आया, फिर +1 आया, फिर माइनस, यानी कभी माइनस पीछे जा रही है कभी आगे जा रही है, तो मोनोटोनिक तो है नहीं, तो नॉट मोनोटोनिक में कौन कौन से ऑप्शन है, तो यानी कि पहला और सी तो कैंसिल हो गया, मोनो नॉट मोनोटोनिक यानी बी और सी में कोई एक है। अब बात करते हैं कि बाउंडेड है या नॉट बाउंडेड है, तो यहाँ पर देखिए 1 मैक्सिमम जो वैल्यू आई हुई है वो 1 है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी इधर, देखिए माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी इधर, और इधर जो है 1 1/3, यानी 1 से ऊपर नहीं है कोई वैल्यू, क्योंकि 1 1/3 ये ऐसे है, यानी 1 पर आगे जो हो गया ये बॉन्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 से अधिक कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन माइनस में बहुत आगे तक जा रही है, तो इसका मतलब बाउंडेड तो है, ठीक है, बाउंडेड एबव हो गया ये, तो बाउंडेड एबव यानी बाउंडेड हो गया, तो कौन सा आंसर हो गया इसमें, नॉट मोनोटोनिक बॉन्डेड, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द सीक्वेंस ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड एबव। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 हम रखेंगे और रख के पहले चेक करेंगे कुछ एलिमेंट्स, तो जब हम 1 रखेंगे तो आएगा यहाँ पे -5 और 1 रखेंगे 5, यानी कि आ गया -1, जब हम 2 रखेंगे तो 2 × 4 यानी कि -3 बटे 2 × 6 = 8, और जब हम इसमें 3 रखेंगे 3 × 6 यानी कि -1 और 3 × 3 = 9 = 11, और जब हम इसमें 4 रखें 4 × 8 यानी 1 × 4 = 12 = 14, तो यानी प्लस में आना, देखिए आप देखिए प्लस में आने चालू हो जाएंगे आगे, और बहुत 1 के इन्फिनिटी में आता तो वो लगभग 0 हो जाएगा, यानी -1 से 0, तो -1 से 0 का मतलब हो गया ये बाउंडेड हो गया, ठीक है, बाउंडेड बिलो भी हो गया, बाउंडेड एबव भी हो गया, और यहाँ पर -1 के बाद -3 अगर नंबर लाइन पर देखें तो -1 -1/3 यानी कि 0 और 1 के बीच में ही है ये एलिमेंट, बाद में 0 से अधिक वाले होने चालू हो गए, कहाँ तक है 1 तक है, लगभग 1 के अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से थोड़ा पीछे ही रहेंगे क्योंकि ये हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं, तो ये इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी तीनों किस्में हैं, तीनों हैं 3D में, राइट आंसर हो गया डी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस है वो किस टाइप का, तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो 1 - 1/2, 1/3 - 1/3, अब इसमें कर रहा था मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब यह है या तो वो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। यहाँ पर देखिए +1 फिर -1 फिर +फिर -, यानी कि इसे बढ़ते क्रम में तो है नहीं ना ही घटते क्रम में, इसका मतलब मोनोटोनिक तो है नहीं। तो नॉट मोनोटोनिक किस में है, नॉट मोनोटोनिक इसमें, ये नॉट मोनोट याला नहीं होगा, मोनोटोनिक तो है नहीं है, और ये मोनोटोनिक ये भी नहीं है, नो नीदर मोनो। अब यहाँ अब बी और सी में से है, अब देखिए यहाँ पर 1 है ठीक है, और -1/2, -1/4, -1/6 यानी कि -∞ तक जा सकता है ठीक है। उसके बाद फिर 1/3, 1/5 यानी अपॉन में जो है इन्फिनिटी तक यानी 0 तक जा सकता है, और इधर जा सकता है देखिए यहाँ पर -1/2, यानी 1/4, 1/6 यानी कि एन अपॉन में रहेगा तो -∞। और अगर हम 1/3, 1/4 यानी कि 0 यानी मैक्सिमम 1 तक यहाँ पर जा रहा है, 0 यहाँ पर आएगा यानी 1 से ऊपर नहीं जा रहा, तो बॉन्डेड तो हो गया ठीक है, क्योंकि 1 पर आकर बॉन्डेड हो गया, और इधर माइनस में तो खैर जा ही रहा लेकिन बॉन्डेड हो गया, फिलहाल बॉन्डेड एबव है, तो बॉन्डेड एबव और बिलो तो इसमें है ही नहीं, तो बॉन्डेड किया तो बॉन्डेड और नॉट मोनोटोनिक ठीक है, नीदर मोनोटोनिक नी नॉट नॉर बॉन्डेड, तो बॉन्डेड है ठीक है। तो लास्ट राइट आंसर हो गया इसका बी, बॉन्डेड और नॉट मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक इसलिए नहीं है क्योंकि बढ़ता क्रम या घटता क्रम नहीं है, बॉन्डेड इसलिए है क्योंकि बन से यहाँ पर बन आया हुआ और बन पे जाकर बॉन्ड हो गया, बन से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आएगा ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी में तो जा रहा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर माइनस में अपॉन में रखेंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, लेकिन बन से प्लस में बन है, बन से बड़ा कोई नंबर इसमें नहीं आने वाला है ठीक है। तो ये हो गया बॉन्डेड और नॉट मोनोटोनिक, यानी बी इसका राइट आंसर। तो अब देखिए, अगर आपने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप फाइनल नहीं निकाल सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि हम कई साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फाइनल में जाके रुक जाते हैं, कहने का मतलब एक तो क्वेश्चन से रह जाते हैं। कारण क्या, उनका करवा तो सब कुछ है, सब कुछ उन्होंने कर रखा, और जितना क्वेश्चन पेपर आता है अगर उन्हें आधा घंटा या 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दे दी जाए तो वो बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन 2 घंटे के अंदर जो है वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो मजबूत नहीं है, आते तो सब क्वेश्चन है लेकिन कम समय में कैसे करना वो नहीं आता। ये सारी चीज़ें जो क्लियर होती हैं वो टेस्ट सीरीज से होती हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जरूरी नहीं कि हमारी करें, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और कंटिन्यू उस टेस्ट सीरीज को देते रहें, ईमानदारी से देते रहें, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं काट सकता। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, अभी से लग जाइए। अगर आपको निकालना है तो ये मत देखिए कि विज्ञापन कब आएगा, अगर आप विज्ञापन का इंतजार देखेंगे और तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। जो शुरू से अभी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, अभी से अपनी प्रैक्टिस को मजबूत रखते हैं, वही निकाल पाएंगे, एंड टाइम में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए जल्दी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए। आप मानेंगे, आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे जब आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको खुद महसूस होने लगेगा कि अब हमारे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सिलेक्शन को नहीं काट सकता, क्योंकि आपके बहुत सारे आंसर जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे आंसर आपके मेमोराइज हो जाएंगे और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने 150 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए थे और कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने खुद बोला, हम इंटरव्यू भी उनका अपनी वीडियो में जोड़ रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि 35 से 40 क्वेश्चन हमने डायरेक्ट यानी बिना सॉल्व किए डायरेक्ट टिक कर दिए थे और बड़े आराम से क्वेश्चन उनके हो गए थे, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी थी। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 7906140224, आप इस पर मैसेज कर दीजिए, टेस्ट सीरीज से जुड़ने का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं अभी
चंपा अग्रवाल कॉलेज मथुरा में टीजीटी गणित के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा इस टीजीटी गणित में 11वां रैंक था और मैंने इस एग्ज़ाम में 111 क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करे, 125 में से 111 क्वेश्चन सही करे, जिसकी बदौलत मेरा इस एग्ज़ाम में 11वां रैंक आया। और इस सफलता के पीछे मेरे गुरुजनों, मेरे भगवान का विशेष आशीर्वाद मुझ पर रखा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसपी सैनी सर को, जिन्होंने परिचय के लिए मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करा। उनकी विशेष क्लासेज जो कि यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और उनका टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करा, उसकी बदौलत मैं इतना मार्क्स इस एग्ज़ाम में स्कोर कर पाया। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइज करना चाहूँगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी और भी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें मैथ्स आता है, उनके लिए आप इस एसपी सैनी सर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और उनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, उनकी क्लासेज को ज्वाइन करें, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। दैट्स ऑल।